नमस्कार, SBT न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के बाद राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाकर विभिन्न एक्साइज ड्यूटी को घटाकर आम आदमी को राहत देनी चाहिए। गहलोत ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग 2 के कार्यकाल में क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रण में थे। अब क्रूड ऑयल की दर लगातार बढ़कर कुछ ही दिनों में $80 प्रति बैरल होने वाला है। ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आम आदमी की कमर टूटना तय है। राजस्थान के अजमेर में जरूरतमंदों के लिए स्वाभिमान भोज रसोई की स्थापना होने जा रही है, जहां महज ₹1 में शुद्ध भोजन मिलेगा। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसकी शुरुआत करेंगे। नागौर जिले के परबतसर शहर में बुधवार शाम सीकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने परबतसर PMO डॉक्टर ओम प्रकाश ठोलिया को ₹8,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी डॉक्टर ओम प्रकाश ठोलिया ने ये राशि परिवादी से परबतसर के सरकारी हॉस्पिटल में उसकी बेटी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने की एवज में मांगी थी। पकड़े गए डॉक्टर ठोलिया से ACB टीम पूछताछ कर रही है। आरोपी डॉक्टर ठोलिया नागौर के ग्राम कमलास का मूल निवासी है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से बुधवार का दिन राजस्थान के लिए बड़ी राहत भरा रहा। इस दिन प्रदेश भर से सिर्फ 2 नए कोरोना पॉजिटिव ही दर्ज किए गए। ये 2 मरीज भी 2 जिलों में ही मिले। हालांकि संक्रमण के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, कमी पर अभी संख्या में स्थिरता नहीं आई है। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक माह में परंपरागत लगने वाले पशु मेले को लगाए जाने की राज्य भर से आए अश्वपालकों ने मांग की। अश्वपालकों ने जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मुलाकात कर इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन सौंपा और पुष्कर में पशु मेला आयोजित करने की मांग की। जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आवंटन दरें तय हो गई हैं। UDH मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने ₹13,500 प्रति वर्ग मीटर दर से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को द्वितीय फेज में भूखंड आवंटित करने का निर्णय किया है। कमेटी के फैसले के अनुसार भूखंड की राशि जमा नहीं कराने वाले व्यवसायियों को बकाया ब्याज और जुर्माने में एक बार ये छूट दी जाएगी। इसके लिए व्यवसायियों को जो भी अवधि दी जाएगी उन्हें उस अवधि में समस्त बकाया राशि जमा करानी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल वाटिका से प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराने की PM पोषण शक्ति निर्माण योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिशन सुस्त चाल से चल रहा है। दूसरी कट ऑफ 13 सितंबर को निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद तीसरी लिस्ट का अभी तक इंतजार है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 4 संगठक कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 7,000 सीटों पर एडमिशन होना है। एडमिशन को लेकर लगभग 50,000 आवेदन आए हैं। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में कांग्रेस के नेता जन्मदिन का अवसर अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। हाल ही में जनता ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनका शक्ति प्रदर्शन देखा। अब प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन भी 1 अक्टूबर को भव्य स्तर पर बनाने की तैयारियां चल रही है। जयपुर में स्कूल एक्ट का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने 3 निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने जयपुरिया स्कूल, मिलाप नगर, सिडलिंग स्कूल जवाहरनगर और महेश्वरी स्कूल को नोटिस जारी किया है। कोरोना काल के बाद कुछ अभिभावक फीस जमा कराने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ ही जो अभिभावक फीस जमा नहीं करा पा रहे थे उनके बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा था। जयपुर में बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट सर्किल स्थित रसद विभाग के दफ्तर में बंदरों ने धावा बोल दिया। करीब 1 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया और फाइलें बाहर फेंकने लगे। ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों ने भगाने की कोशिश की तो कई बंदर फाइलें दस्तावेज लेकर भाग निकले। बनीपार कलेक्ट्रेट में तैनात वकील 11 लाल मीणा ने बताया कि रसद विभाग के कार्यालय में ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार बंदर रसद विभाग के साथ जिला कलेक्ट्रेट और जिला परिषद कार्यालय में पहुंचकर उत्पात मचा चुके हैं। धौलपुर में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। अक्टूबर में होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का क्षेत्रीय MLA को आवेदन देना शुरू हो चुका है। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा में 3 कांग्रेस और 1 पर भाजपा का MLA है। जिले में 6 पंचायतों के प्रधान के साथ जिला प्रमुख का चुनाव किया जाना है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। बाड़ी और सैपो क्षेत्र से बाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के MLA गिरिराज सिंह मलिंगा को बुधवार को जीत का दावा कर रहे प्रत्याशियों ने आवेदन सौंपा।
चक्रवात गुलाबी के बाकी हिस्से के 30 सितंबर को अरब सागर में प्रवेश करने तथा मजबूत होकर चक्रवाती तूफान का रूप लेने तथा पड़ोसी देश की ओर बढ़ने की संभावना है। गुलाब चक्रवात के इस बाकी हिस्से के चलते गुजरात के कई हिस्सों में वर्षा होने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को ये जानकारी दी। उसने बताया कि बुधवार को निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवात गुलाब का बाकी हिस्सा दक्षिण गुजरात क्षेत्र एवं आसपास की खंभात की खाड़ी के ऊपर बना है। पुलिस ने इंदौर और इसके पड़ोसी धार जिले में नकली गुटखा और पान मसाला बनाने वाले दो कारखानों का बुधवार को भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले में कुल 1 करोड़ रुपए के माल और उपकरण जब्त करने के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराध निरोधक शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को इंदौर से पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को धार से गिरफ्तार किया गया। माउंट आबू में पिछले कई दिनों से वन्य जीव शहरी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, खासकर भालू कई बार देखा गया है। मंगलवार रात भी शहर में 2 अलग अलग जगहों पर भालू नजर आया है। रात करीब 11:30 बजे एक होटल के पास भालू देखा गया। यहां कचरा पात्र को गिराकर उसमें से कुछ खाता हुआ नजर आया। इस दौरान करीब 5 मिनट तक भालू वहाँ रुका। कुछ आवाज़ों के बाद भालू पास के जंगल में चला गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।